एक्सपीरियंस अमेजिंग था, बहुत 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 मज़ा आया. बहुत सारे स्टंट्स किए और बहुत ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें बहुत सारा पेन था, लेकिन पेन के साथ साथ बहुत सारा गेन भी था. बहुत सारी मेमोरीज अपने साथ लेकर आए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर आए हैं और बहुत सारी डिस्कवरी अपने साथ लेकर आए हैं अपने बारे में कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं. मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक यस, आई थिंक जितने मेरे फैंस एक्साइटेड हैं, मेरे व्यूअर्स एक्साइटेड हैं, उतनी एक्साइटेड मैं भी हूँ कि 22 जुलाई कब आएगा. क्योंकि जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर, तब आपका जो रिएक्शन होता है उस चीज़ को लेकर, चाहे आप हाइट से कूद रहे हैं, चाहे आप क्रीपी क्रॉलीज के साथ स्टंट कर रहे हैं, तब आपको कुछ और नहीं सोचता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ या क्या हो रहा है, ठीक तो लग रही हूँ ना कैमरा पे, ये सब चीज़ें आप नहीं सोचते हैं तब. बट एज एन एक्टर नाउ व्हेन द शो इज़ गोइंग टू गो ऑन एयर, नाउ आई फील कि आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ, मैंने क्या किया है, कैसे किया है और क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे कैसा लगता है, तो वही सब दिमाग में चल रहा है. पेन इन स्पेन टैग है इनका, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्टंट, के स्टंट अच्छे से परफॉर्म हो, एंड वो उन्होंने किया. एंड ये सीज़न काफ़ी एंटरटेनिंग भी रहा, और वही मैं चाहता था कि स्टंट्स तो हो बट साथ ही साथ एक एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन भी ज़्यादा हो, ताकि जो ऑडियंस देखे उन्हें एक होलसम पैकेज मिले जैसे एक फिल्म होती है. सो आई थिंक ये सीज़न वैसा रहा है एंड आप सबको पसंद आएगा. लड़कियां आप बहुत ही अच्छी थी इस बार एंड बहुत आगे तक आई हैं. मतलब मैं कौन जीता या कौन विनर होगा ये तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट आई एम रियली प्राउड कि हर बार हर सीज़न में हम ये चाहते थे और इस सीज़न में काफ़ी आगे तक लड़कियां पहुंची हैं और बहुत ही टफ कंपटीशन दिया. एक आध स्टंट ऐसे भी हुए जहाँ लड़के परफॉर्म नहीं कर पाए और लड़कियाँ कर गईं, एंड डिफ़िकल्ट स्टंट्स, ऐसे नहीं कि ईजी वाले, डिफ़िकल्ट स्टंट्स. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 4 दिन में शो रिलीज़ होने वाला है और इस सीज़न बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि हमने बहुत सारे स्टंट्स किया की सर राइट की या इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, वेरी एक्साइटिंग, एड्रेनलिन पंपिंग, स्केरी, फन. वी हैड अ ग्रेट टाइम, रियली डिड. कैसा एक्सपीरियंस था खतरों के खिलाड़ी का आपके लिए? अभी बताया ना मैंने, बहुत एक्साइटेड. क्या क्या मतलब स्टंट्स क्या क्या किए आपने वहाँ पे, किस तरीके? ये मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आपको शो देखना पड़ेगा. लेकिन स्पेन इज़ ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू डू अ शो लाइक दिस. वी डिड सम अमेजिंग चैलेंजेस और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था और मैंने बहुत इंजॉय किया. तो क्या कहना चाहेंगे जैसे कि शो आने वाला है, तो क्या एक्साइटेड है और नर्वस है उसके बारे में थोड़ा बताइए. देखिए मैंने तो स्टंट किए हैं और एक मतलब पूरा टाइम मुझे पता है कि क्या क्या हुआ है, तो एक्साइटेड तो हूँ ही और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि जितना लोगों की उम्मीदें थी उन पर मैं खरा उतर पाई हूँ या नहीं, ये मुझे नहीं पता है. तो ये शो जब टेलीकास्ट हो जाएगा तब एपिसोड जैसे जैसे आएंगे तो मुझे पता चलेगा. ओके, कैसा एक्सपीरियंस था आपका जैसे कि स्पेन में, क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ा बताइए. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही मज़ा आया ये शो करके और ज़िंदगी का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है. और शायद अगर ये शो मैं नहीं करती तो मुझे नहीं शायद मैं ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस जो मैंने इस शो के दौरान किया वो नहीं कर पाती. इस तरह के एडवेंचर्स मैं नहीं कर पाती जो कि मुझे इस शो के दौरान करने को मिले. एक स्टंट था मेरा जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन स्टंट बहुत डिफ़िकल्ट था. इनफैक्ट रोहित सर ने बहुत ज़्यादा डरा दिया हमको कि इनफैक्ट जो पुराने कंटेस्टेंट्स थे पिछले सीजन्स के उनके नाम लिखे गए थे वहाँ पर और सर ने कहा था कि ये लोग हैं, इनमें से कुछ ने स्टंट कंप्लीट किया है और कुछ ने कंप्लीट नहीं किया है और अबॉर्ट कर दिया है. और मुझे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, ब्रीफिंग दी गई थी, क्योंकि मैं उस स्टंट से पहले आई थिंक दैट वॉज द ओनली स्टंट वेयर आई वॉज रियली स्कैर्ड एंड आई क्राइड अ लॉट बिफोर गोइंग. सो मुझे सब लोग बोल रहे थे क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्टेड शायद ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत डरी हुई है. एंड सब ने मुझे यही बोला कि इफ़ एट ऑल यू वॉन्ट टू अबॉर्ट द स्टंट, आपको सिर्फ ऐसे इशारा करना है तो आपको बाहर निकाल देंगे. बट आई रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस. इन्होंने बोला क्यों, क्या 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 बोल रहे हो, क्यों अबॉर्ट करेगी, नहीं अबॉर्ट करेगी, पूरा करके आएगी, पूरा करके आएगी ना. आई सेड यस एंड आई डिड इट. सो थैंक यू वेरी मच सर.